हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का सेल फ़ोन है, मॉडल नंबर है A37। तो इसमें जो है कि प्रॉब्लम क्या रहा है देख सकते हैं, ये अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में ये पूरी वीडियो है, तो वीडियो आप पूरा देखें तो ही समझ में आएगा। और साथ ही हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपके ओप्पो के अलावा किसी और अन्य किसी भी सेल फ़ोन में ये सेम प्रॉब्लम आता है तो उसको भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, हम चार्ज लगाएंगे तो भी इसमें जो है कि चार्ज भी शो नहीं करेगा, बस चार्ज बनेगा लेकिन वो चार्ज होगा नहीं। जैसा देख सकते हैं ये चार्जर वो बन गया लेकिन ये चार्ज भी नहीं होगा, इतने पे ही ये ऑन ऑफ करता रहेगा। देखिए बस ऐसे ही करता रहेगा, चार्जिंग भी नहीं लेगा ये। तो हमने बाकी इसका बैक पैनल ओपन कर रखा है पहले से, बैटरी को यहाँ पर साइड रख देते हैं इस साइड। उसके बाद जो है कि हमें बाकी जो इसके पैनल है इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो इस सेल फोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ से, वो तो हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कि यह है कि अगर मान लीजिए यही सेम प्रॉब्लम किसी अन्य सेल फोन में आ जाए तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप चेक कर लें कि वो प्रॉब्लम कैसे वहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद उसे सॉल्व करें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा ही देखें। तो इसे फिलहाल लगाए रहने देते हैं। तो हमें जो है कि इसका ये जो है कि यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जैसा कि हमारा रिमूव हो गया, बाकी इसे हम साइड रख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है क्या है वो हम पूरा रिपेयर करके आपको बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है कि बाकी अगर किसी सेल फोन में हो तो आप इसे कैसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया, इसका जो है कि हमें इस पर रखेंगे। तो जैसा देख सकते हैं हमारा ये यहाँ से रिमूव हो गया, हम इसको साइड को इसको यहाँ रख देते हैं, सोल्डरिंग आयरन यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, सेम यहाँ पे जो है कि दूसरा ऑन ऑफ स्विच को हम यहाँ पे लगाएंगे। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच सोल्ड कर लेते हैं।
तो जैसा कि हमारा ये सोल्ड हो गया है, अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही सोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको ये मल्टीमीटर लेना है, इसको आपको बीप पॉइंट पे सेट करना होगा। तो जैसा कि बीप पॉइंट पे मेरा सेट हो गया है, बीप आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आप इन दोनों पे एक एक पॉइंट ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ये आपस में शॉर्ट नहीं हो, इस तरीके से रख लें। और इसको आप पुश करें, जैसा देख सकते हैं जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो बीप बज रहा है, मतलब कि हमारा ये बिल्कुल सही सोल्ड हो गया है। इसमें क्या के लिए एक दिक्कत ये भी था कि जो ये जो स्विच है ये थोड़ा छोटा स्विच है और ये थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सोल्ड हुआ कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आप इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। ये जो है कि गर्म होने की वजह से इसमें थोड़ा सा चिपक गया था, तो इसे हम हटा देते हैं। अब जो है कि हम इसमें वापस लगा लेते हैं। आप चाहें, हाँ, आपको जो चेक कराने वाले थे चाहें तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले LCD का ये लगा लिया हूँ, जैसे कि ये लग गया। जहाँ पे भी आपके सेल फोन में, किसी और अन्य सेल फोन में अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है कि ये जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ से ये पॉइंट्स आपस में टच होता है, वहाँ पे आप चाहें तो कोई भी एक पेपर या कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा लें। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे ये लगता है, जहाँ पे ये ऐसे लगा रहता है, तो इसके नीचे आप यहाँ पे स्क्रू खोल कर यहाँ पे एक पेपर डाल दें कि ये आपस में टच ना हो। उसके बाद आप जो है कि इसको चेक कर लें, जैसा कि हम आपको कराते हैं। इसमें तो ये ऑन नहीं हो सकता, तो हम इसमें जो है कि चार्जिंग लगा कर चेक करा देते हैं। जैसे कि हमने चार्ज लगा दिया, क्योंकि चार्ज इतना तो शो कर रहा था, अब इसके आगे देखिए चार्ज होते हुए भी ये शो करेगा। देख सकते हैं ये चार्ज बढ़ने लगा, चार्ज होने लगा। तो ये जो है कि पहले नहीं हो रहा था, बस चार्ज दिख रहा था फिर ऑफ हो जा रहा था। तो आप इस तरीके से भी ऐसे ये चेक कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम आप इसे फिक्स करके, हम ऑन करके आपको चेक कराएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ सॉल्व। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे बैठा लेते हैं बोर्ड को। यहाँ पे मैं जो है कि दो स्क्रू कस लेता हूँ, तभी जो है कि ये काम करेगा। जब ये नीचे दबेगा तभी जो है कि मेरा ऑन ऑफ बटन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं आपको ऑन करके चेक कराते हैं। जैसा कि देखिए ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा ऑन होने के लिए। तो जैसा कि हमारा सेल फोन देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। तो अगर आपका किसी भी कंपनी का सेल फोन कोई भी हो, अगर आप जैसे कि बैटरी लगाने पे बैटरी अगर चार्ज है तो बार बार जो है कि ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, तो आप जो है कि यहाँ पर जो होता है यहाँ से ऑन ऑफ बटन को यहाँ से छुड़ा के ऑन मतलब चार्ज लगा के देख सकते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चार्ज हो रहा है, पल्स चल रहा है, तो मतलब कि आपका ये स्विच यहाँ से गड़बड़ है। स्विच आप जो है कि चेंज कर लें, या तो चाहें तो आप ये पूरा पत्ता भी चेंज कर सकते हैं, आता है आप आपके ऊपर है, चाहे आप स्विच केवल चेंज करना चाहें चेंज करें, या पूरा पत्ता आप चेंज कर लें ऑन ऑफ, तो भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं हमारा सेल फोन ऑन हो गया है, 40% इस समय चार्ज है। इसमें चार्ज भी लगा के आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं चार्ज होने लगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा।